उत्तराखंड की सरजमी प्राचीन काल से ही देवभूमि के नाम से विख्यात है। वीरभूमि और देवभूमि उत्तराखंड को कहा जाता है। उत्तराखंड में कई राजवंशों ने राज किया प्राचीन काल में। उन्होंने अपने द्वारा स्थापित मंदिर और कई स्मारक ऐसे बेहतरीन स्थापित किए जिनके कारण आज भी उनको हम याद करते हैं। उन्हीं में से एक कत्यूरी राजवंश की मैं आज बात कर रहा हूँ। कत्यूरी राजवंश के राजा भूदेव ने, जो कि कत्यूरी वंश के एक प्रतापी राजा थे, उन्होंने बागेश्वर जिले में गरुड़ घाटी में, जिसे कत्यूर घाटी भी कहा जाता है, उस स्थान पर बैजनाथ नामक मंदिर की स्थापना की, जो कि संभवतः 9वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य मानी जाती है। कत्यूरी राजवंश पूर्व में, जिसकी राजधानी जोशीमठ हुआ करती थी, बाद में उस राजवंश ने अपने आप को स्थापित किया कत्यूर घाटी में। बसंत देव इसके पहले संस्थापक थे। भूदेव नामक राजा ने इस मंदिर की स्थापना की। यह मंदिर अपने आप में वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। अष्टधातु की एक ऊंची प्रतिमा, जो कि माँ पार्वती को समर्पित है, यह प्रतिमा अपने आप में एक विशेष उदाहरण प्रस्तुत करती है शिल्प शैली का। इसके अलावा यहाँ छोटे बड़े बहुत सारे मंदिर हैं जो कि इसकी विशेषता को बखान करते हैं। अल्मोड़ा और बागेश्वर घूमने वाले पर्यटक अक्सर यहाँ आते हैं। यह जो बैजनाथ मंदिर है, भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। माना जाता है कि शिव पार्वती ने विवाह के बाद कुछ समय यहाँ विश्राम किया था। आप इस बैजनाथ मंदिर को अगर देखेंगे तो पाएंगे, यह प्राचीन तो है ही है, इसकी वास्तुकला अति विशिष्ट कला है। जहाँ आज हम सीमेंट का प्रयोग कर पत्थरों को आपस में जोड़ते हैं, यहाँ के पुजारी जी ने हमें बताया कि सीमेंट के स्थान पर उड़द की दाल को पीस कर आपस में पत्थरों को जोड़ा गया है। वाकई बिजोड़ इंजीनियरिंग की मिसाल ये दिखती है। पास में गोमती नदी है। गोमती नदी का सुंदर सुरम्य स्थान है। पर्यटकों की सुविधा के लिए, पर्यटकों को अच्छा लगे, इसलिए सरकार ने यहाँ पर एक बैराज का निर्माण किया है, छोटे से डैम का निर्माण किया है, जिसमें हजारों की संख्या में मछलियाँ हैं। इस नयनाभिराम प्राकृतिक आनंद को अगर आप पाना चाहते हैं, बैजनाथ मंदिर का एक बार दर्शन अवश्य लेना होगा। बैजनाथ मंदिर कुमाऊं का प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। प्राकृतिक सुंदरता और हृदयानुभूति जो यहाँ पर दैवत्व को प्राप्त करती है, वह वाकई अद्भुत है। कौसानी अगर आप आते हैं तो आपको रास्ते में यह मंदिर मिलेगा। अल्मोड़ा से लगभग 70-80 किलोमीटर दूर गरुड़ और गरुड़ से 2 किलोमीटर आगे बैजनाथ धाम। यहाँ पर आने के लिए आपको टैक्सी या अपनी गाड़ी से सुविधापूर्वक आप यहाँ पहुँच सकते हैं। अल्मोड़ा से बागेश्वर जाने वाली गाड़ियाँ अक्सर यहाँ पर रुका करती हैं। स्थानीय एक छोटा सा बाजार है। गाड़ी पार्किंग करने के लिए भी छोटी सी जगह जरूर बनी हुई है। इसके अलावा यहाँ पर आसपास में हम घूम सकते हैं, जहाँ प्रकृति के बीच रहकर आप अपने आप को आनंदित महसूस करेंगे। नेशनल हाईवे के बिल्कुल पास में यह मंदिर है। आने जाने की सुविधा पर्याप्त है। अगर आप कुमाऊं भ्रमण पर आएँ तो इस मंदिर के दर्शन करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, ये था बैजनाथ मंदिर, कत्यूर घाटी, बागेश्वर, गरुड़। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। फिर किसी नई वीडियो के साथ आपके साथ उपस्थित होता हूँ। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।